नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। देश के कई राज्यों में इस साल और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और बीजेपी विपक्षी एकता से निपटने की तैयारियों के साथ साथ पार्टी के भीतर मचे घमासान को भी संभालने की कोशिशों में जुटी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की राजनीति से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के सत्ता में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी के अंदर ही घमासान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नारे को नकारते हुए शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम वोट बैंक पर भी बड़ा हमला बोला और बीजेपी के अंदर उठे इस घमासान ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया है। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास, बंद करो। पश्चिम बंगाल बीजेपी मेरा, शुभेंदु क्यों भड़के इस बार? मोदी को अधिकारी का चैलेंज, पश्चिम बंगाल में होगा गेम चेंज। जो हमारे साथ, हम उसके साथ, नहीं रहा सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र लेकर के चले। साथियों, हमारी सरकार सबके लिए, सबका साथ सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। सबका साथ सबका विकास क्या होता है, ये युवाओं के लिए हमारी नीति में भी दिखता है। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी के चार शब्दों ने बीजेपी को देश की सियासत के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया। बीजेपी नेतृत्व में एनडीए की दूसरी पारी में पीएम मोदी के इस नारे में सबका विश्वास भी जुड़ा। हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। ये नारा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का मुख्य नारा बन गया था और इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। ये नारा भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के विकास और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था, नहीं है, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। समाज का हर वर्ग, देश का हर कोना, समाज का हर तबका, ये हमारा अपना है और इसलिए हमारा मानना है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ हो सबका विकास हो। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश में बीजेपी के भीतर घमासान मचा रखा है और पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को ही नकार दिया। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर से नाराजगी दिखाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने नया नारा दिया, जो हमारे साथ हम उसके साथ। अधिकारी ने अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत को नकार दिया। अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी ने दम भरा कि हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। हम जीतबो, हिंदू बचाबो, संविधान बचाबो और बोलबो, हमीओ बोले छी राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनाराओ बोले छेन सबका साथ सबका विकास,
আর বলবো না, বলবো জো হামারি সাথ হাম উনকা সাথ, জো হামারি সাথ জো হামারি সাথ জো হামারি সাথ হাম উনকা সাথ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বন্ধ করো নো নিড সংখ্যালঘু মোর্চা, ভালো থাকুন, জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। बीजेपी के कोर नारे पर शुभेंदु अधिकारी की आपत्ति खबरों की सुर्खियां बनी, तो शुभेंदु अधिकारी सफाई लेकर मीडिया के सामने आए। सबका साथ सबका विकास नारे पर शुभेंदु अधिकारी ने सफाई दी कि ये बीजेपी का कोर नारा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो उनके साथ है बीजेपी उनके साथ है। मैं शुभेंदु अधिकारी हूं, दादा से जानेंगे। दादा, आज आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास का जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल देखिए, सबका साथ मेरे साथ रहिए, मेरे हम लोग जिसके साथ पॉलिटिकल, मेरा विद हेवी पेन आई टोल्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल, हमारे सरकार तो सबको लेकर ही चलता है, सरकार का स्लोगन ही रहता है, उसमें तो मेरा कोई ये नहीं है, ये तो मेरा जो देखा है मैं किया है। दादा, प्रधानमंत्री जी ने इस नारे को लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री का स्लोगन ही रहेगा, वो तो सरकार का स्लोगन है, एनडीए स्लोगन, इसमें शुभेंदु अधिकारी का कोई रोल नहीं। आपने कहा कि जो मेरे तो साथ हैं हम उनके साथ में हैं। नहीं नहीं, वो तो बंगाल बीजेपी का पॉलिटिकल बारे में बताया, बीजेपी बंगाल को उसका साथ ही रहना चाहिए जो उनका साथ दे रहा है, ये हमारी पार्टी का जो इंटरनल पॉलिटिकल जो फंक्शनरीज है उसको लेकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसका साथ एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन का साथ मत जुड़िए। लेकिन कैमरे के सामने भी शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी और मुसलमानों को लेकर गुस्सा जस का तस रहा। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि हिंसा की राजनीति तो पश्चिम बंगाल में शुरू से हो रही है, लेकिन अब बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से भी रोका जा रहा है। जिस तरह से देखें बंगाल में, आप 2019 में बीजेपी 18 सीट थी, 24 में 12 हो गया, और बाई इलेक्शन जो आप लोगों ने जीता था, रानाघाट की बात करें, वोट हुआ कैसे, आखिर किस तरह का संगठन कमजोर हुआ, वोट हुआ, अब पता कर लीजिए, कोई हिंदू लोग को वोट नहीं डालने दे रहा है, मार तो हो रहा है, ये तो बंगाल में चल रहा है। पहले अपोजिशन को रुक रहा था, खास करके बीजेपी को, अभी हिंदू को रुक रहा है, टीएमसी का हिंदू, सीपीएम का हिंदू को भी रोक रहा है, ये वेरी अलार्मिंग। दादा, हिंदुत्व की बात करें, यदि हम जैसे अपनी चर्चा कर रहा था अधीर रंजन चौधरी, वहां उसको पे भी वोट दे, कांग्रेस को ये लोग वोट देता है, मुसलमान लोग, मालदा में दिया, उसका ईसा खान प्रार्थी था, यहाँ मतलब ममता इतना कम्युनल कर दिया, अधीर चौधरी को भी वोट नहीं डाला, वो हिंदू है। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में हार के मंथन के लिए आयोजित बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा मुस्लिम समुदाय पर फूटा। हमरा जीतबो, हिंदू बचाबो, संविधान बचाबो, आर बोलबो, आमियो बोले छी राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनाराओ बोले छन सबका साथ सबका विकास, आर बोलबो ना, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास, बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा, भलो थकुन, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को तृणमूल कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है, लेफ्ट और कांग्रेस की भी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रहती है, बीजेपी को भी समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा देखा गया। हालांकि नतीजों ने बीजेपी को निराश ही किया। साल 2018 के बंगाल पंचायत चुनाव में मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किए थे। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय से 850 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया था, जिसमें 27 को जीत मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है, जो सूबे की 294 सीटों में से करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल बीजेपी को बड़ी ही निराशा हाथ लगी है। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन ग्राफ गिरा है।
और लोकसभा नतीजा आने के बाद बीजेपी के भीतर से ही शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप पर भी सवाल उठे हैं। शायद यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी नेशनल एजेंडे से हटकर पश्चिम बंगाल में अपना एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुट गए हैं। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीतने का टारगेट रखा था। सीए आरक्षण, संदेश खाली और करप्शन जैसे मुद्दे उठाने के बावजूद पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। पार्टी के बड़े नेता निशीत प्रमाणिक, लॉकेट चटर्जी और एसएस अहलूवालिया तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। वोटिंग में लोकसभा में आप जा बोली इलेक्शन में तो हार जीत होते ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का बंगाल बीजेपी का मतलब अंत में आ गया, नया करके शुरुआत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस टाइम में हम लोग का 6 सीट कम हुआ है, लेकिन हमारा अगर अब 21 के साथ से विचार कीजिए तो हमारा 6 लाख वोट बढ़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो मिशन है वो है 2026 में हम लोग जो इस टाइम में जो हमारा कारण है जो हार हुआ है उसके लिए हम लोग समीक्षा करके हम लोग 2026 में फिर से हम लोग जो लड़ाई लड़े थे 2021-2024 में हम लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में केवल 12 सीटें आईं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीट पर जीत मिली थी, यानी बीजेपी को 2024 चुनाव में 6 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 29 सीट, कांग्रेस को 1 और कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ी सीपीआईएम ने 1 सीट पर जीत हासिल की। 15 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें बीजेपी को यहां भी नुकसान हुआ। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4 पर जीत दर्ज की। जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली पिछली बार इनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार टीएमसी ने तीनों सीटें छीन ली। रिजल्ट के बाद बिश्नपुर के सांसद सौमित्र खान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने स्टेट लीडरशिप के फैसलों पर सवाल उठाए थे। हालांकि खराब प्रदर्शन के बावजूद सुकांत मजूमदार को कैबिनेट में जगह मिली और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के गिरते जनाधार ने पार्टी को दो फाड़ करने का काम किया। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से बीजेपी में असंतोष का माहौल है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन ऐन वक्त पर आरएसएस ने हाथ पीछे खींच लिया। बीजेपी का 1 person 1 position की पॉलिसी के तहत पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। 2 साल बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी निशाने पे है। ऐसे में इस गुटबाजी को खत्म करना बीजेपी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अगले अध्यक्ष के सवाल पर 3 नामों पर खासी चर्चा है। सबसे मजबूत दावेदार दिलीप घोष है। दिलीप घोष पुराने नेता होने के साथ ही आरएसएस के करीबी हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले SC ST वोट बैंक अपने पाले में करना चाहती, इसीलिए SC नेता जगन्नाथ सरकार या ST नेता ज्योतिर्मय सिंह महतो भी रेस में। शुभेंदु अधिकारी भी दावेदार है, लेकिन वो आरएसएस की पसंद नहीं, इसलिए उनका अध्यक्ष बनना मुश्किल। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में हमेशा आरएसएस से जुड़े रहे नेता ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2015 में आरएसएस प्रचारक रहे दिलीप घोष ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके लीडरशिप में ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीती थी। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटें 3 से 77 हो गई, जिसे दिलीप घोष की कामयाबी बताया गया। इसके बावजूद बीजेपी ने 2021 में उन्हें हटाकर सुकांत मजूमदार को अध्यक्ष बना दिया और दिलीप घोष को उपाध्यक्ष बना दिया गया। सुकांत मजूमदार भी आरएसएस प्रचारक रहे। इसी साल बीजेपी ने टीएमसी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन सुकांत और शुभेंदु की जोड़ी कमाल नहीं दिखा पाई। 2021 के बाद बीजेपी लगातार 8 उपचुनाव हारी। इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 12 सीटें जीत पाई। 2019 में 22 सीटें जीतने वाली टीएमसी 29 सीटें जीतकर और मजबूत हो गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना खोया जनाधार वापस लाने की कोशिश में जुटी। राज्य की सीनियर लीडरशिप में घमासान के बीच शुभेंदु अधिकारी के बयान ने पश्चिम बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण के एजेंडे को सामने रख दिया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के पश्चिम बंगाल में सत्ता पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में शुभेंदु के बयान के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में कौन सी पॉलिटिकल पिक्चर तैयार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे पर बाबा सूरजपाल का बयान सामने आ गया है। 2 जुलाई की घटना काफी दुखद है।